दिलेशी का काम है और मुझे ये काम बेहद पसंद आया। और ये काम में आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने ट्राइबल फॉर्म्स पे काम किया है और इनकी कलर्स पे, ये कलर के रेशियो पे काम करते हैं और इनका जो अंदाज है वो रेशियो को समझने का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो प्रपोर्शन पे बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ के फिर उसे कैनवस पे उतारते हैं। तो जैसे आप ये पेंटिंग देख सकते हो, इस पेंटिंग में आपको एक इल्यूजन सा महसूस होगा, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई एक चीज़, जैसे आप म्यूज़िक सुनते हो तो आपको कैसे लगता है कि यू नो कभी कभी जैसे आप ईयरफोन्स में आप सुनते हो तो आपको लगता है एक में कम हो रहा है, एक में ज़्यादा हो रहा है, रहता तो समानता ही है, वो खाली वो रिदम और बाकी वो सारे वो म्यूज़िकल एलिमेंट्स का वो असर होता है। वैसे ही ये पेंटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर आप इसे पास से देखोगे तो सब ऐसे सेम लगे, जैसे दूर जाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये जो चीज़ें ना इसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खेल रही है। तो वो काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब जैसे आप कोई कलाकार का काम ऐसे, मतलब कभी भी आप देखा कलाकार का काम आप जब आगे से देखोगे आपको अलग सा महसूस होगा, जैसे दूर जाओगे जितना डिस्टेंस लोगे ना वो आपको पेंटिंग कुछ अलग ही चीज़ दर्शाते जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अंकिल जी के काम के बारे में, स्पेशली उनका जो वो रेशियो में काम करने का वो जो अंदाज़ है वो हर आर्टिस्ट को एक इंस्पायर करेगा कि हम कलर्स को भी कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, नॉट ओनली विद वॉट यू हैव लर्न, यू नो वट वी हैव बीन टॉट इन कॉलेज एंड स्कूल्स। सो ये होता है एक आर्टिस्ट की जर्नी, जैसे आप समझ के उसे अपने वे में और डिस्कवर क्या करते हैं। जैसे ये काम भी देखोगे आप यहाँ पर भी एक अलग ही पूरा एक कलर पैलेट है और इसमें जैसे जितनी स्टेबिलिटी आपको ये भी अभी पास से दिख रही है उतनी आप दूर जाओगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये सारे फॉर्म जरा धीरे धीरे ऐसे एक आगे पीछे आ रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है अखिलेश जी के काम के बारे में। और हम ताओ आर्ट गैलरी में हैं, ये ग्रुप शो है, आप ज़रूर आइए ये शो में और काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है। गैलरी में है, ये ग्रुप शो है वॉल्स ऑफ साइलेंस और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये गोविंद विश्वास जी का काम है। जैसे आप देख सकते हैं इनका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे इंटरेस्टिंग इनकी जो मटेरियल है वो है ये अकेले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस मटेरियल में काम कर रहे हैं। इनको फेलोशिप मिल चुकी है और ये काफ़ी रेसिडेंसी और काफ़ी जगह इनका शो हो चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग इनकी जो कहानी है, जैसे इनकी एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनकी फैमिली माइग्रेट हुई थी बांग्लादेश से, तो ये आर्टिस्ट उस सब्जेक्ट पे काम करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके काम में तो आपको वो हर चीज़ों की एक पहलू दिखाई देगी और यहाँ पर भी आप अभी उन्होंने ये काम पे पैटर्न करके ये काम उन्होंने पेश किया है जो काफ़ी एक नया नज़रिया दे रहा है इनकी आर्ट को। और आप ज़रूर आइए ये शो में, ये शो ज़रूर देखिए और बाकी आर्टिस्ट के शो भी ज़रूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है ये। थैंक यू, आदत नहीं है ना।